जेसीसीजे के नेता और पूर्व विधायक अमित जोगी दिवंगत हुए वीरभद्र सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान अंबिकापुर पहुंचे अमित जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरगुजा में बारिश काफी देर से प्रारंभ हुई है, इस कारण से कई किसानों को नुकसान भी हुआ है। 60 से 70% किसान सूखे की वजह से धान की रोपाई नहीं कर सके हैं। सरकार को चाहिए कि सरगुजा को सूखाग्रस्त घोषित करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आगे कहा कि सरगुजा संभाग खनिज माफियाओं का गढ़ बना हुआ है। पूरे देश में एक कर प्रणाली लागू है, लेकिन आपके संभाग में जीएसटी के साथ बीएसटी भी लागू है। ऐसा भ्रष्टाचार पहली बार देखने को मिल रहा है। हमारे साथी है, उन्होंने उसकी परिभाषा दी। जैसे वहाँ बोला जाता है गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी को, तो यहाँ पर हम लोग भूपेश सरकार टैक्स बोलते हैं बीएसटी।